इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से सामने आई है, जहां श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसवारा गांव के पास बह रही राप्ती नदी से बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि सिसवारा गांव के पास जो भरतापुर गांव है, वहां के निवासी मुनव्वर पुत्र संतोखी, जिनकी उम्र लगभग 60 से 70 साल के बीच में होगी, आज रात्रि करीब 3 बजे से घर से लापता हो गए अचानक, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन इधर उधर मुनव्वर को ढूंढने का प्रयास करने लगे। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी जब मुनव्वर का कोई पता नहीं लगा, जिसके बाद परिजन जो ढूंढते ढूंढते सिसवारा गांव के पास नज़दीक पहुंचे और राप्ती नदी के किनारे जैसे ही पहुंचे तो वहां पर जो है मुनव्वर का कपड़ा, जो कि घर से पहनकर निकले हुए थे, उनका कपड़ा नदी के किनारे पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों को कहीं ना कहीं आशंका सताने लगा कि हो सकता है राप्ती नदी में मुनव्वर अली डूब तो नहीं गए हैं, जिसके बाद वहां पर काफ़ी संख्या में ग्रामीणों की जो है भीड़ जमा हो गई, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद परिजनों में मातम पसर गया, रोने चिल्लाने लगे। हालांकि अभी तक सिर्फ शंका जाहिर की जा रही है कि जो मुनव्वर हैं वो कहीं ना कहीं राप्ती नदी में डूब गए हैं, क्योंकि रात्रि 3 बजे से मुनव्वर जो हैं घर से लापता थे, जिसके बाद परिजनों के द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई है लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगा है। वहीं राप्ती नदी के किनारे जैसे ही पहुंचे हैं, वहां पर उनका जो वस्त्र यानी कि कपड़ा पहने हुए थे वो वहां पर पड़ा हुआ मिला है, तो कहीं ना कहीं परिजनों द्वारा ये शंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि राप्ती नदी में नहाने गए हों और अचानक डूब गए हों। भैया, यहाँ गांव में घटना हो गई है, आपके कोई रिश्तेदार हैं, कौन है जो डूब गए हैं? वो हमारे पिताजी हैं। अच्छा, कैसे क्या हुआ बताइए, कब से आप लोग तलाश कर रहे हैं? हम सुबह सो के उठे हैं तब से तलाश कर रहे हैं, अभी तक कोई था नहीं लगा है, कपड़ा मिला है नदी के किनारे और कुछ भी नहीं मिला है अभी। अच्छा, क्या करने के लिए इधर आए थे? इधर आए थे ऐसे पुल भी बन रहा है, खेत पात भी देखने के लिए आते जाते रहते थे, टहलने आते थे, रोज आते थे, और आज आए तो सुबह उसके बाद गए ही नहीं घर। क्या नाम क्या है? मुनव्वर अली। मुनव्वर अली, उम्र कितनी रही होगी? 65-70 साल के बीच में। नदी में तैर वैर लेते हैं कि नहीं? नहीं, तैर नहीं लेते। कितने घंटे से आप लोग तलाश कर रहे हैं? हम तलाश कर रहे हैं सो के उठे तब से, 6 बजे से पहले पहले से। सुबह सुबह खेत में आ रहे थे, इधर खेतों देखने के लिए शायद, और पैर फिसलने की वजह से नदी में गिर गए। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उनकी? लगभग 65-70 साल उम्र। अच्छा, तो कुछ कपड़ा वगैरह मिला है नदी का? हाँ, कपड़े से ही मालूम पड़ा कि यहाँ पे आए थे और यहीं खड़े हुए थे और यहीं पर स्नान, मतलब यहीं पैर फिसला है या फिर कपड़ा निकाल के खेत में रखे, खेत को देखने के लिए आए थे यहीं पर। कितना घंटा हो गया लगभग अभी तक पता नहीं? लगभग वैसे हम अब लोगों को तो मालूम पड़ा है 7-8 घंटे से, 5-6 घंटे से लगभग मालूम पड़ा है, और डूबने से लग रहा है कि 10-12 घंटा 14 हो गया, सुबह सुबह आए थे। अच्छा, प्रशासन को सूचना दी गई है? हाँ, दी गई है। गिलौला थाने की पुलिस भी, अभी गिलौला थाने से पुलिस आई है और बाकी SDM साहब को सूचना दे दिया गया है अभी आधा घंटा पहले। अच्छा,